कहां से क्वेश्चन से पे आ सकते हैं, है, और कौन से ऐसे जो हमको फर्स्ट पढ़ना है कौन से ऐसे टॉपिक से जो हमको लास्ट पढ़ना है और किस तरीके से एक एग्जामिनर आपको कॉस्टिंग के पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए First of all, देखो, में अगर हम देखें तो कॉस्टिंग में काफी बड़े बड़े टॉपिक्स है इसका बत, मतलब ये होता है कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको कॉस्टिंग में पूछे जाएंगे मैं सबसे पहले आपको 20 मार्क्स वाले जो चैप्टर्स है उसके बारे में बताता हूँ अगर हम 20 मार्क्स के चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करें तो कॉस्टिंग में सबसे सिंपल टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है पता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाएगा तो उसमें अगर हम देखें तो लेवल्स कितने हैं देखो आप अगर सिस्टमैटिकली लेवल्स को एक बार ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है नंबर फर्स्ट जो सिंपल लेवल है जिसमें एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन वगैरह कैलकुलेट करना है तीन प्रोसेस पूछा जाता है राइट right? दूसरा लेवल हमारा होता है जिसमें आपने कुछ सेल किया है अगर आपको ये सारी चीजें नहीं लग रही है नथिंग टू वरी अबाउट इट कॉस्टिंग का प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट में जाइए सब कुछ आपको रेडीमेड मिलेगा सब कुछ आपको प्रॉपर सॉल्व किए हुए क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे उतनी भी चीजें अगर देखोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आप इजीली पास हो जाएंगे फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको सिंपल लेवल का क्वेश्चन देखना है है उसके बाद सेकंड लेवल आपका सेल और तीसरा जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज आजकल मार्क के उस पूछे गए हैं एंड दैट इज स्टॉक लेवल जिसमें आपको प्रोसेस वन प्रोसेस वन स्टॉक प्रोसेस टू प्रोसेस टू स्टॉक प्रोसेस थ्री प्रोसेस थ्री स्टॉक ऐसे बनाने हैं उसके साथ थ्री एक्स्ट्रा लेजर्स भी आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं इफ यू रिमेंबर एड नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन और तीसरा आपका नॉर्मल लॉस तो प्रोसेस कॉस्टिंग बीस मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा और जितना मैंने अभी आपको बताया उसी में से आपको पेपर में वराइटीज देखने मिल सकते हैं ये आपका पहला टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग और इसमें आपको पोस्टिंग के मार्क्स मिलेंगे कॉस्ट पर यूनिट अगर सही कैलकुलेट करेंगे उसकी भी मार्क्स मिलेंगे दूसरा जो आपका चैप्टर आता है जो आपको फोकस करना है और वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मैं जो आपको चैप्टर्स बता रहा हूं फर्स्ट सेकेंड थर्ड वैसे ही सीक्वेंस में आप अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको ये दिक्कत एग्जाम में नहीं होगा कि आपने जो चैप्टर छोड़ दिया वो ऑप्शंस में चला गया और एग्जाम में वो क्वेश्चंस इजी आया था तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा नंबर सेकंड जो है दैट वी हैव टू स्टडी इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देखो इन लोग कर क्या सकते हैं ये लोग प्रोसेस के ऑप्शन में प्रोसेस पूछ सकते हैं अगर किसी ने ऑप्शन पर में रख दिया प्रोसेस तो प्रॉब्लम हो जाएगा इसलिए आपको प्रोसेस कॉस्टिंग पहले पढ़ना है दूसरा आपको चैप्टर कौन सा पढ़ना है दूसरा आपको चैप्टर पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अभी एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात करें सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट बी कॉन्ट्रैक्ट सी ऐसे वाला आता है मतलब सिंगल ईयर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट सिंगल ईयर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट ये हो गया फर्स्ट लेवल दूसरा लेवल आपका कौन सा होता है दूसरा लेवल आपका होता है सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल ईयर जिसमें आपको वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है मतलब एक ही एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है लेकिन ईयर्स अलग अलग होते हैं वो थोड़ा ट्रिकी होता है बिकॉज फर्स्ट ईयर अगर गलत कर दिया तो सेकेंड ईयर भी आपका गलत हो सकता है दैट इज सेकेंड टाइप और तीसरा आपका टाइप होता है एस्टिमेटेड तो यूनिवर्सिटी uh, में क्या करते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखते हैं और प्रीवियस ईयर्स में जो चीजें नहीं आई है उसको स्किप करके जाते हैं तो एग्जामिनर ने थोड़ा सा लास्ट ईयर लास्ट दो तीन साल से ट्रेंड चेंज कर दिया है वो लोग एस्टिमेटेड पर भी क्वेश्चन पूछने लगे हैं तो आपको तीन चीजों के ऊपर फोकस करना है नंबर सेकंड नंबर फर्स्ट सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स है अलग अलग टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है नंबर सेकंड जो है सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स है और नंबर थर्ड जो है दैट विल बी एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट ये तीनों चीजें पढ़ के जाओ तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और जितना आप कॉन्ट्रैक्ट में पोस्टिंग सही करेंगे उतने आपको मिलने वाले जीरो भी नहीं मिलेगा। तो दो चैप्टर्स पढ़ना है।, है उसके बाद एक टॉपिक है नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट कंट्रोल वाला चैप्टर है कॉस्ट कंट्रोल भी बहुत ईजी है लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी है लेजर वगैरह बहुत सारा बनाना है तो अभी अभी आपको ये दो टॉपिक करने के बाद कौन सा टॉपिक पे आना है इसके बाद आपको दो टॉपिक पढ़ना है एक है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग अगर आपको स्टैंडर्ड और मार्जिनल कॉस्टिंग डिफिकल्ट लगता है तो एक बार जाके चैनल पे जाइए प्लेलिस्ट में जाइए कॉस्टिंग के मैंने दस वीडियोस बनाए थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सिमिलर सात आठ वीडियोस आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के मिलेंगे उस उसपे सारे लेवल्स कवर है उतना भी देख के गए तो भी आपको सारे लेवल्स कवर हो जाएंगे और उसमें से अगर कुछ भी लेवल पेपर में आता है तो सिर्फ तो क्या होने वाला है नंबर का फर्क होने वाला है तो नंबर वहां पे अलग होंगे यहाँ पे हमने जो प्रैक्टिस किए थे वो नंबर अलग है तो लेवल्स तो वैसे ही होते हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग ये दोनों चैप्टर्स आपको याद रखने है ये ट्वेंटी मार्क्स में नहीं आएंगे ये आपको दस दस मार्क्स के क्वेश्चन स्टैंडर्ड और मार्जिनल कॉस्टिंग में पूछे जा सकते बिकॉज छोटा छोटा टॉपिक है और इतना पढ़ने के बाद एक लास्ट टॉपिक आता है जो स्टूडेंट्स नॉर्मली ऑप्शन में रखे जाते हैं लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस पूरे चैप्टर को ऑप्शन में ना रखें ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ कॉमन एंट्रीज है जिसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट जिसमें आपको फ्री के मार्क्स मिल सकते हैं आप तीन चार साल यूनिवर्सिटी के पेपर निकाल के देखेंगे तो अभी भी आपको पता चलेगा कि इसमें कॉमन जर्नल एंट्रीज आती है तो आप अभी कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कॉमन जर्नल एंट्रीज कौन सी है तो उसके ऊपर भी मैंने एक कॉस्ट कंट्रोल का वीडियो बनाया है बेसिक जर्नल एंट्रीज के बारे में वो आप चेक करें वो अगर आप चेक करोगे तो वो आपको काफी हेल्प होगा मैं हो सकता है तो वो सारे वीडियोस का लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल के रखता हूं ताकि आपको वो सारे वीडियोस ढूंढने ना पड़े तो ये आपको इस तरीके से फोकस करना है कॉस्टिंग के लिए इस बार का कॉस्टिंग सेमेस्टर 5 के कॉस्टिंग से काफी इजी है लेकिन इस बार का कॉस्टिंग थोड़ा कंपैरेटिवली लेंदी है क्योंकि ये बड़े-बड़े चैप्टर्स में तीन चैप्टर्स आपके बड़े हैं जिसमें आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा एक है प्रोसेस दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा है नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट का और 10-10 मार्क्स दस -दस के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग तो इस तरीके से फोकस करें सीक्वेंस वाइज पढ़े और थोड़ा टाइम अभी दे थोड़ा टाइम अगर आप प्रॉपरली इन सारे जो क्वेश्चंस में बता रहा हूं उनके लिए अगर आप दोगे तो आपको एग्जाम में काफी सारे जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगी मैंने फाइनेंशियल घंटे इसलिए सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किया है तो करके रखें आई होप की आपको ये पसंद आया है इससे आपको आपके आने वाले एग्जाम में बेनिफिट हो पाए और आने वाले एग्जाम में जो सिली मिस्टेक्स आप करने वाले हो उसके ऊपर भी आपको एक दिन पहले रिविजनरी सेशन मिलने वाले हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं और आपके कमेंट्स भी आप कर सकते हैं बिकॉज में कमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट जो आपके कमेंट्स होते हैं वो अच्छी तरीके से पढ़, पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करता हूँ थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाय बाय टेक केयर